लखनऊ के दिल में मौजूद जनेश्वर मिश्र पार्क, अपने आप में सबसे अनूठा और बेमिसाल पार्क। इसका उद्घाटन 6 अगस्त 2012 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया और आम लोगों के लिए इसे खोला गया 5 अगस्त 2014 को। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया नेताजी मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि मशहूर समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र की याद में एक ऐसा पार्क बने जो देश तो क्या, देश के बाहर भी एक मिसाल कायम करे। और इस पार्क ने मिसाल कुछ ऐसे कायम की कि इसमें सिमट आए बहुत से रिकॉर्ड। जनेश्वर मिश्र पार्क 376 एकड़ में बना एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। जनेश्वर मिश्र की 25 फुट ऊंची प्रतिमा पूरे राज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है और साथ ही यहां है राज्य का सबसे बुलंद तिरंगा। जनेश्वर मिश्र पार्क इस वर्तमान सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है। ये वास्तव में एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। 350 हेक्टेयर भूमि पर यह पार्क बन रहा है, जिसमें वाटर बॉडी है, बोट राइड्स की व्यवस्था है, फाउंटेन्स हैं, बच्चों के खेलने के इक्विपमेंट हैं, वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है, ये सारी व्यवस्था इस पार्क में है। समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र की ये प्रतिमा इतनी ऊंचाई पर लगी है कि इसे पार्क में किसी भी कोने से देखा जा सकता है। जनेश्वर मिश्र पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण है 207 फीट ऊंचा ये तिरंगा। 60 फीट चौड़े और 90 फीट लंबे पॉलिएस्टर कपड़े से बने इस तिरंगे का भार 38 किलो है। एक तो मुझे फ्लैग बहुत अच्छा लगा है, जो उसकी जो इतना अच्छा लंबा पोल है उसकी काफ़ी ऊंचाई भी है और मतलब सैल्यूट करने का मन कर रहा है सबसे, अपनी एक नेशनलिज्म की भावना आ रही है देखकर उसको। कैसर बाग, चार बाग जैसे बागों के शहर लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बनवाया हुआ जनेश्वर मिश्र पार्क शहर की तहजीब में एक शानदार और नया अध्याय जोड़ रहा है।